दोस्तों, आज की कहानी है बहू, तुम गर्भावस्था में आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रीवा दौड़ी आई और उसे दूध पिलाया। उसकी सासू माँ ने कहा, घर के काम बहुत महत्वपूर्ण हैं बहू, पर बच्चों को अनदेखा करके घर के काम पर मत करो। ध्यान रखो, बच्चा भूख से न रोए। घर के काम तो अनगिनत हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। बच्चे को समय पर दूध अवश्य पिलाओ, कुछ देर उसके साथ खेलो, ये समय कभी लौट कर नहीं आएगा। बच्चों के साथ बिताया हर पल यादगार हो जाता है और माँ के साथ बच्चों की बॉन्डिंग मजबूत होती है। सासू माँ की बातें सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। सासू माँ के लिए उस का नजरिया दिनों दिन बदल रहा था। वह एक ममता मही माँ ही नहीं है, बल्कि नई माँ की ममता को भी वह समझ रही है। बहू की बढ़ती जिम्मेदारियों को भी समझ रही थी, सिर्फ उसकी मदद ही नहीं करती, उसको उचित सलाह भी देती। वह सोचने लगी, जब से शादी करके ससुराल आई, सासू माँ को एक धीर गंभीर महिला के रूप में ही देखी, कभी उन्हें मुस्कुराते नहीं देखी। सब काम समय पर करती और दूसरों को भी समय पर काम करने के लिए कहती। उनके कारण घर में हर समय शांति रहती। नियत समय पर टीवी चलता और नियत समय पर ही रेडियो पर म्यूजिक चलता। ऐसे माहौल में वह हमेशा डरी डरी रहती कि कहीं सासू माँ के नियमों का उल्लंघन न हो जाए और उनके गुच्छे का सामना न करना पड़े। वह मन ही मन कहती, सासू माँ आप एक कुरजिल्लर हो। वह सुप साप दिन भर घर के कामों में ही लगी रहती थी। गरबा वस्ता में जितना हो सका काम की, पति राज उससे आराम करने को कहते, तब भी वह काम करती, क्योंकि उसे सासू माँ से बहुत डर लगता था। वो डांटती तो नहीं थी, पर गुस्से में ऐसी आंख तरेरती कि वह अंदर तक सिहर जाती। गर्भावस्था में सासू माँ ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन बहू के ख्याल रखने का उनका तरीका भी अलग था। बहू के समय पर न खाने पर सासू माँ अपनी नाराजगी जताती। सासू माँ के डर से वह खाना और दवाइयाँ समय पर खा लेती और दोपहर में आराम भी कर लेती।
वो कभी बहू के साथ प्यार से बात नहीं करती, हमेशा उनके चेहरे पर एक गंभीरता दिखती। वह सासुमा के गंभीर स्वभाव को देखकर मुस्कुराने से भी डरती। उसे लगता कि कहीं हंसने या मुस्कुराने पर सासुमा गुस्सा न हो जाए, पर गर्भावस्था के दौरान वही उसे खुश रहने की सलाह देती। रीवा सासुमा के कहने पर रोबोट की तरह हंसने या मुस्कुराने तो नहीं लगती, पर अंदर ही अंदर खुश रहने लगी। उसके उदास चेहरे पर अब खुशियों के फूल खिलने लगे। छोटे बच्चे को सासू माँ तेल मालिश कर देती, नहलाना दुलाना और दूध पिलाकर सुलाना सासू माँ की देख रेख में वह पूरा करती। अब सासू माँ पोते के साथ खेलती और हंसने मुस्कुराने भी लगी। कभी कभी उन्हें नाश्ते में देर भी होने लगी। उनमें ये बदलाव देख एक दिन रीवा ने थोड़ा सकुशाते करते हुए कहा, माँ आप बदल गई हैं। सासू माँ ने बहू की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बदल गई हूँ, मेरे पास भी एक कोमल दिल है। मुझे भी पति और बच्चों से प्यार है। मुझे पता है कि मेरे सख्त रवैये से तुम सब लोग बहुत परेशान हुए हो, पर अनुशासित जीवन जीना भी सीख गए ना। जिंदगी में अनुशासन बहुत जरूरी है। शायद मैं एक कड़क जलर की तरह कुर रही हूँ, पर सब की भलाई के लिए ही मैं इतनी सख्त हुई। अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई। सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाते पढ़ाते मैं हंसना ही भूल गई थी। धीर गंभीर होना ठीक है, पर खुलकर हंसना भी बहुत जरूरी है। देखो पोते के साथ खेलकर मैं वातुनी और हसमुख भी हो गई हूँ। रीवा खुशियों से सहकते हुए बोली, जी हाँ माँ। वह सोचने लगी कि मैंने सासू माँ को क्या समझा था और वो क्या निकली। मेरी सासू माँ दुनिया की बेस्ट सासू माँ है।